दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर अब आर्यन करवाएगा आदित्य को गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलने वाला है कि पहले तो एक बड़ा झटका आर्यन देने वाला है पूरे त्रिपाठी परिवार को, और वो ये होगा कि वो ये घर अपने नाम करवा चुका है। जैसे ही शादी होगी यहाँ पर आर्यन बहुत ही बड़ा खुलासा घर वालों के सामने करेगा और बता देगा कि ये घर अब उनका नहीं रहा है। जिसके बाद में आदित्य ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, और घर वाले भी और इमली भी। लेकिन आर्यन कहता है कि ये तो आपको अपने ताऊजी से पूछना चाहिए कि ये घर के कागज मेरे पास कैसे आए। जिसके बाद में यहाँ पर ताऊजी जैसे इस बात को बताएंगे, सबके होश उड़ जाने वाले हैं कि आर्यन सच कह रहा है, और यहाँ पर बहुत ही तगड़ा झटका सबको लगने वाला है कि मालिनी और आदित्य की शादी होते ही ये कौन सा तमाशा हो गया। वहीं देखने को मिलने वाला है कि भाई आर्यन तो अपना फैसला सुना ही देता है, और साथ में आदित्य के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा करता है कि भाई किसी और ने नहीं, यहाँ पर अनिरुद्ध की जान आदित्य की वजह से ही गई है। जिसके बाद सबके होश उड़ जाते हैं, आदित्य भी शॉक्ड हो जाता है, और आदित्य ही खुलासा करेगा कि अनिरुद्ध की जान उसकी वजह से नहीं गई है, वो तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद नहीं यहाँ पर आर्यन इस बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन इस बात के लिए आदित्य से यकीन दिलाने की कोशिश करेगा। यहाँ तक कि इमली भी आदित्य का साथ देते नजर आएंगी और आर्यन को बताएगी कि आदित्य कभी भी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता है। हम जानते हैं कि हम दोनों के बीच में ऐसे डिफरेंसेस चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी की जान ले ले और इसकी इनकी वजह से किसी की जान जाए, ऐसा तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पर इमली ही आदित्य का साथ देते नजर आएगी। साथ में ही आर्यन को इस घटिया हरकत के लिए इमली गुस्सा होती हुई नजर आएगी कि आपने किसी की मजबूरी का फायदा उठाया है। हमने तो सुन लिया था कि आप दिल से बहुत नेक है, लेकिन आप किसी गलतफहमी के होते हुए इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं। तो इमली ही त्रिपाठी परिवार को उनका हक वापस दिलाती नजर आने वाली है।